हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है और बारिश इतनी हो रही है कि पूरे छत पे पानी भरा हुआ है। वैसे तो बारिश का मौसम सबको अच्छा लगता है, जब लगातार बारिश हो तब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि रोड में कीचड़ वगैरह भर जाता है तो फिर अजीब सा लगने लगता है। तो बस अभी मैं ऊपर से आई हूँ और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू सब जगह। और पापा आए हैं अभी पूजा के लिए फूल लेके, क्योंकि नहा धो के वो पूजा करेंगे तो पहले ही फूल ले आते हैं अपने लिए। और सफाई सफाई कोई भी कर लेता है। नीलम जा रही थी झाड़ू वाड़ू लगाने तो मैंने कहा तुम जाके नहा लो और जब तक मैं कर ले रही हूँ ताकि मेरा भी जल्दी से नंबर आ जाए, वरना फिर बहुत देर तक वेट करना पड़ता है एक एक लोगों का। तो बस नीलम यहाँ आ चुकी है नहा धो के और ये कर रही है पूजा, भगवान जी नहला रही है। पूजा भी कोई भी कर लेता है, पापा पहले आ जाते हैं, पापा कर लेते हैं, नीलम भी कर लेती है, मम्मी भी कर लेती है, लेकिन मम्मी के अभी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो इसलिए नीलम कर ले रही है। और शिवानी भी नहा धो के आ चुकी है, आज सब लोग नहा लेंगे, लग रहा मेरा ही लास्ट में नंबर आएगा। तो बस यहाँ पर नंदनी भी कुछ किचन में करने में लगी हुई थी, सारी चाय वाय रख दी है। और अयान हमारे सो के उठ के आए हैं तो ये थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा है उसका, ये देखिए अभी नहीं बोलेगा थोड़ी देर, क्योंकि ये रात में सो नहीं पाया, इसको लाइट चली गई थी तो अच्छे से इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और यहाँ पर बन गई है सुबह की चाय, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और आज ना सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो गया तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जल्दी से मैंने शुरू कर दिया है आज वीडियो। और यहाँ पर मैं मूंग दाल की खिचड़ी के लिए चावल और दाल साफ कर रही हूँ क्योंकि पापा सुबह नाश्ते में वैसी कोई चीज़ें नहीं खाते हैं तो दलिया खा लेते हैं और या फिर खिचड़ी वगैरह ऐसा कुछ बना दो तो ही खाते हैं क्योंकि उनको पेट में दिक्कत रहती है, तो इसलिए खिचड़ी हल्की होती है। तो बस इसको हींग जीरा और घी की छौंक लगा के सिंपल बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने पानी नमक और दाल चावल साफ़ करके रख दिया है, बाकी फिर नीलम देख लेगी। और बस मैंने बता दिया था कि एक सीटी में बंद कर देना क्योंकि वो बनाने जा रही थी आलू वगैरह की तहरी, तो मैंने कहा सिंपल खिचड़ी बना लो, पर हम लोगों के लिए कुछ और ब्रेकफास्ट बन जाएगा जिसको खाना होगा तो। और यहाँ पर पानी गर्म रखा है, पता नहीं किसी लिए रखा होगा, मुझे नहीं पता है। तो बस यहाँ पर पहले बॉयल हो जाए तब इसमें एक सीटी लगाएंगे। हाँ तो करो। गुड मॉर्निंग। मैंने लिपस्टिक लगाई है, दिखाओ कहाँ लगाई है। नहीं लगाई है पीछे। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, सुबह के सारे काम हो गए हैं। और अभी क्या है कि इतना बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो अभी सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और अभी क्या है ना, इस टाइम पे देखा जाए ना तो इस पेंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पे हुआ है क्योंकि बच्चे ना तो इस टाइम पे स्कूल जा पाए हैं ना घर पे पढ़ाई पे उतने अच्छे से ध्यान दिया है। क्योंकि अभी अयान को देखा जाए ना तो अयान की एज स्कूल जाने की हो गई है क्योंकि इस एज के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, सीखने लगते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतना डर भरा हुआ है कि इतने छोटे से बच्चे को ऐसे में कैसे भेजा जाए। तो ऐसे में हमें ही बच्चों की पढ़ाई पे कुछ ना कुछ ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में क्यूडेंट्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट बहुत ही फन वे में सिखाते हैं, बच्चों के ग्रेड और सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि बच्चे कोई भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं एकदम फन वे में। स्टूडेंट्स ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ सारी चीज़ें बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार ही उन्हें सिखाई जाती है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और चीज़ें सीख भी जाए। और बच्चे वहाँ पर क्विज खेल के पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस के ऊपर बैजेस जीत सकते हैं और जो वो पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको एक्सचेंज करके गिफ्ट आइटम्स रिडीम कर सकते हैं। और बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स हैं, बच्चे अपने मनपसंद के गिफ्ट आइटम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और इतने सारे फीचर्स होने के साथ इसका जो पैकेज है वो 3 मंथ का पैकेज है और काफी सस्ता है, 399 में है। क्योंकि ये 3 मंथ के लिए है तो मुझे लगता है कि 399 में लिया जा सकता है अगर बच्चे को इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हैं AMB20 तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्यूडेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी और कोड भी दे दूंगी, यहाँ भी मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो आप आराम से जाके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में।
और ब्रेकफास्ट भी सबका हो चुका है। वैसे ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकोड़े भी बने थे, खिचड़ी भी बनी थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेड पकोड़ा भी खाया था, थोड़ी सी खिचड़ी भी खाई है, क्योंकि शिवानी ने बनाए थे ब्रेड पकोड़े और मैंने बनाई थी खिचड़ी। और आज बारिश का मौसम है, आज कपड़े सूखने लायक नहीं मौसम है, क्योंकि ये हाथ के धुले हुए कपड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने धो लिए हैं, क्योंकि इनका पानी निचुड़ जाएगा ना एक बार, फिर मम्मी इनको अंदर डाल देती हैं छप्पर के नीचे, तो वहाँ पर फिर ये आराम से सूख जाते हैं। बहुत सीख गया, एन पढ़ाई करने लगा। एन पढ़ाई करता है? कौन सा कलर है? कौन सा कलर? हाँ बता रहे, ब्लैक। ब्लैक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर बंडर, व्हाट यू आर। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पर लौकी कद्दूकस करके रखी थी, तो उसी का मैंने अभी पानी निचोड़ा है, क्योंकि दोपहर में तो बन गया था कद्दू की सब्जी, दाल चावल रोटी, और इस टाइम बनेगा लौकी का कोफ्ता, क्योंकि अभी ताजी ताजी तीन चार लौकी आई थी, तो मैंने कहा चलिए कोफ्ता बन जाएगा। और नीलम बना रही है रोटी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है, रोटी पहले बन जाती है सब्जी, क्योंकि डिसाइड करने में टाइम लगता है, सबसे पूछो जाके सब्जी में क्या बनाओ सब्जी में क्या बनाओ, तो ऐसे ऐसे लेट हो जाता है, फिर सबको यहाँ पे खाना जल्दी खाना होता है, तो इसलिए फिर सब्जी बाद में, और रोटी ज़्यादा बनती है सब लोगों के हिसाब से, तो फिर इकट्ठी बन जाती है, क्योंकि चावल कोई खाता नहीं है, तो फिर रोटी रोटी बनती है, क्योंकि यहाँ पे चावल पापा मना करते हैं शाम को खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन उसी परात में छान लिया था जिसमें रोटी बनी थी, तो बस यहाँ लौकी में डाल दिया है बेसन, थोड़ी सी प्याज काट के डाल दी है, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती वगैरह ये सब डाल दिया है। नीलम कह रही थी अपनी तरीके से बनाओ कोफ्ता आज। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें मिला के, और बस मैं इसकी पकौड़ियाँ बना ले रही हूँ। तो ये पराठी खाली है, तो इसी में सारा काम कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि रोटी बन चुकी थी, वरना फिर अलग से थाली गंदी करती, प्लेट गंदी करती। और इससे अच्छा ये है कि वैसे इतने बर्तन खाने में गंदे होते हैं, तो जिन चीज़ों से किचन में दोबारा काम कर सकते हैं, तो उससे कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं कोफ्ते की पकौड़ियाँ, और नीलम कह रही है दी जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं लौकी का पानी ही नहीं निचोड़ती थी, फिर मैं ऐसे ही बेसन उसमें मिला के उसकी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, तो बन वैसे भी जाएगा लेकिन उसमें बेसन बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इसमें तो मैंने थोड़ा सा ही बेसन डाला है, क्योंकि लौकी में बहुत पानी निकलता है, वो सारा पानी निकालने के बाद बेसन डालते हैं, तो फिर बेसन कम जाएगा। तो बस वो बोल रही है कि आज आप अपने तरीके से कोफ्ते बनाओ, फिर हम ऐसे ही बनाया करेंगे, तो इसलिए सब्जी मैं बना लेती हूँ, रोटी पहले उसमें बना ली। और मैं सब्जी की ग्रेवी बना रही थी, मसाले डाली रही थी, जब तक नंदनी आ गई कि मौसी कोई मिलने आया है, मतलब यहाँ घर के पास में एक दीदी रहती है, तो वो मिलने आ गई थी, उनको पता चला तो वैसे ही वो मिलने आई। श्रीनगर में है तो कौन से बड़े हनुमान जी है ना कोई? अच्छा बता रहे हो, उनका नाम और मैंने जो सूट और साड़ियाँ वगैरह मंगाए थे, तो वही वो देखने को मांग रही थी कि एक बार दिखा दीजिए कि वो रियल में कैसे हैं, मतलब जैसे हम वहाँ देखते हैं फ़ोटो में या वीडियो में, तो अब कैसे दिखते हैं। और यहाँ पर शिवानी की चोटी की है नीलम ने, तो वही दिखा रही है, ये देखिए जैसे मैंने बनवाई थी ना वैसी चोटी बनवाई, तो अच्छी लगी। हेलो गुड इवनिंग, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम का क्या है 8 बज गए हैं, और यहाँ देखो ये क्या जा रही है मेकअप वेकअप करने पाउडर लगा रही है, बिना पाउडर के नहीं अच्छी लगती है ये पसीना सुखा रही है अपना पाउडर लगा के। और मतलब खाना वाना हमारा बन गया, क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है,
और वैसे भी बारिश का मौसम है इसलिए और जल्दी बन जाता है, क्योंकि पापा जल्दी खाना खाते हैं, वो 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, इसलिए खाना पीना से हम फ्री हो गए। तब तक कोई हमारी सब्सक्राइबर मिलने आई थी, पास में ही रहती हैं, तो हम उनके पास बैठे रहे। और अभी क्या है, मम्मी ऊपर गई थी छत में, तो सबके कपड़े जितने धुले थे यार सारे नीचे जमीन में पड़े हुए थे, सारे गिर गए थे और कोई देखने ही नहीं गया, हवा में सब नीचे पड़े थे और सारे गीले हो गए थे बारिश की वजह से, तो उन्होंने उठा उठा के सब रखे, क्योंकि छत में आज भरा है पानी और कोई भी बच्चे आज यहाँ खेलने नहीं आ पाए हैं। इनको दोनों को अभी घुमा रहा है। और छप्पर के नीचे यहाँ देखिए, मम्मी ने सारे कपड़े लाइन से टांग रखे, ये देखिए पूरी इतनी डोरियां बांध रखी हैं, ये डोरी पूरी भरी है और अंदर की डोरी भरी है, ये डोरी पूरी भरी है, चारपाई में कपड़े पड़े हैं, कुर्सी में भी पड़े हैं, कुर्सियों में कपड़े पड़े हैं, तो ये सारे यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ छप्पर के नीचे कपड़े सूखते रहते हैं। अपने जैसी शक्ल हमें दे दे, इतनी प्यारी, इतनी मासूम, मैंने कहा था कुछ भी नहीं है, अपने जैसी शक्ल हमें दे दे, इतनी प्यारी, इतनी मासूम, मैंने कहा था कुछ भी नहीं है। फर्जी वाला है का? नहीं, ये असली वाला है। अच्छा असली वाला है। मारो इसकी मम्मी को, मारो मारो इसकी मम्मी को, उसको ऐसा लग रहा है शिवानी को सच में शिवानी उसकी मम्मी को मार रही है। और यहाँ पर नीलम को खंभा बना रखा है, जिस खंभे के चारों तरफ नहीं बच्चे दौड़ते हैं ऐसे, उसको पकड़ पकड़ के दौड़ा रहे हैं, सारा दिन कोई ना कोई इनको पकड़ने के लिए चाहिए। अभी टाइम 9:15 बज रहे हैं, अभी खाना नहीं खाया, अभी खाना वाना खाएंगे, वैसे तो रोज इतने टाइम तक खा लेते थे लेकिन अभी नहीं खाया है, क्योंकि ये लोग इतना उधम काटे हैं, इतना उधम काटे हैं, अभी ये घूमने गए थे लेकिन पानी बरसता है तो लौट आए हैं। चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पर कर देते हैं एंड, और क्यूडेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाके एक बार ट्राई जरूर करिएगा, मतलब जो जिनके घर पर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए है, तो एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।